नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया, ठीक है, आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो फाइल हो उसको मैंने आज का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पता चल जाएगा कि इसमें इसको कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है और कैसे ये कितना इफेक्टिवली ये वर्क करता है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देता हूँ और बाइसल लेवल का रिकमेंडेशन देता हूँ। इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का वो आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप आप लोग को मिलेगा। और भी इन फ्यूचर और भी बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजी देते रहूँगा और बहुत सारा चीज़ जो एडुकेशनल पर्पस जो मेरा नॉलेज में उसको भी शेयर किया हूँ और भी इन फ्यूचर शेयर करके जाऊँगा। तो वो आप लोग को मिल जाएगा। जो आप लोग को ट्रेनिंग में जो नहीं मिलेगा, जो आप लोग खर्च करके जो ट्रेनिंग लेता है उसमें जो मिलता है, तो इधर से आप लोग को मिल जाएगा बहुत सारा चीज़ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो जो आप लोग को ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट ले आएगा, तो इसके लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं, देखिए मैंने इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि मैंने बाइसल लेवल कम स्किनर बनाया हूँ और बाइसल लेवल 3 लेवल का बनाया हूँ। तो बाइसल लेवल कम स्किनर में बाइसल लेवल 1 रहता है, 2 रहता है और 3 रहता है और बहुत सारा इंडिकेटर रहता है जो आप लोग देखे स्क्रीनिंग कर सकता है। उसके बाद बाइसल लेवल देखेंगे तो आप लोग स्टॉक मार्केट से आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। और इसमें बाइसल लेवल 2 में ये बाइसल लेवल 3 का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में बाइसल लेवल रहता है। ये कैसे काम करता है मेरा अगला वाला वीडियो देखिए, क्या क्या है और क्या कैसे स्क्रीन करना है। मेरा अगला वाला आप वीडियो आप लोग देख लेंगे, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा। तो देखते हैं जो कल का जो मैंने शेयर किया था उसको कहाँ तक ये मैच किया है, कि कैसे इसका परफॉर्मेंस कैसे रहा, इक्विटी का कैसा रहेगा, कौन सा इक्विटी मिला है, कमोडिटी भी आप लोग चेक कर सकता है। और कमोडिटी एक्चुअली रात में एंड ऑफ द डे दिखाऊंगा तो आप लोग को ज़्यादा से अच्छा पता चल जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का देखने का कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, मैंने कुछ स्टॉक्स सोच लीजिए, मैंने जो कॉल दिया था उसी को स्टॉक्स को मैंने फाइल शेयर करने के बाद इधर मैंने टाइम ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग लीजिए। इधर देखिए बाइसल लेवल वन में देखिए इधर बाजार चोटो हाई मतलब बायर सेल लेवल दोनों साइड में मैच किया है। हाई ट्रायल देख सकता है। उसके बाद ये फाइल शेयर करने के बाद मैंने कुछ स्क्रीनिंग करके इधर ही सही स्क्रीनिंग करके मैंने रिकमेंडेशन दे देता हूँ। और देखते हैं कुछ भी सोच लीजिए, इंच क्या है 748 हाई लो, 748 हाई और 733 लो, 740 से ये 740 हाई गया था और 736 लो से 733 लो गया था। तो देखते हैं चार्ट पे एक बार, इधर देखिए ओपनिंग है, इधर आप देख लीजिए 741.97 तक आए। तो इधर टारगेट बनता हूँ जब नेक्स्ट लेवल देखेंगे, तो ये देखिए 743 पॉइंट के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे, तो 747 इतना तक आप लोग को आ जाता था। और इधर 736 के जब नीचे आया था चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, जब नीचे आया था आप लोग नीचे भी एंट्री ले सकते थे और कुछ प्रॉफिट आप लोग को आ जाता था। इधर भी देख लेते हैं एक बार, इधर बाई लेवल नहीं आया था लेकिन सेल लेवल आया था, ज़्यादा नहीं दिया था। अच्छा, और कल का रिकमेंडेशन था मेरा चार्ज डाल को एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा वीडियो का। मैंने लिमिटेड टाइम है, 10 मिनट्स का टाइम है। यह देखिए जस्ट डायल का एंट्री लेवल कहाँ पर था,
जस्ट डायल का इंटरवल था 590, उसके बाद ये 596 आ गया था। ये देखिए 590 में ओपन हुआ था, उसके बाद इधर आप लोग को प्रॉफिट आ जाता था भाई। ये फर्स्ट कैंडल में ये ओपन होना 5 मिनट का चल, तो फर्स्ट कैंडल में आप लोग को प्रॉफिट आ जाता था बाई साइड से। सेल साइड में ये था 583, और 583 इधर ज़्यादा नहीं है, 582 था पाया था। तो ऐसे और भी देखते हैं, जिंदल स्टील यूनाइटेड टेक को देख लेते हैं एक बार। यूनाइटेड टेक इधर इसका भाई, यूनाइटेड टेक का भाई का एंट्री लेवल था इधर। यूनाइटेड टेक में देखिए 1599 भाई का एंट्री लेवल था, भाई का एंट्री लेवल था। ये 1628 तक गया था, 1604 में ओपन हुआ था। तो इसके ऊपर आप लोग नेक्स्ट लेवल में आप लोग एंट्री ले सकते थे, सोच लीजिए आप लोग इधर एंट्री ले सकते थे। तो इधर 1628 तक, मतलब 1592 से देखिए पूरा ये जो 1592 से इधर ये कैंडल आप लोग दे सकता है। 1592 में ओपन हो के ये पूरा 1628 तक गया था। तो इधर एंट्री लेवल था 1599। उसके बाद आप लोग 1617 भी आप लोग पकड़ते थे, 1628 तक ये चला गया था। और नीचे वाला लेवल शायद आया नहीं था, नीचे वाला 1580 ना 1561 या 1561 दिख रहा है, तो आया नहीं था। और इसको इधर देख लेते हैं 22 लेवल 3 में इसका कुछ लेवल आया था कि नहीं आया था। अब मैंने जो 2-3 लेवल देता हूँ उसमें से आप लोग नज़र डालेंगे तो आप लोग को ज़रूर प्रॉफिट आएगा, है ना। इसमें कोई लेवल आ नहीं आया था, तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए निफ्टी का एंट्री लेवल, बैंक निफ्टी का एंट्री लेवल था 32,213। तो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का 213, 310 का ओपन हुआ था। तो 310 का लेवल पे ओवर जब ओपन हुआ था उसके बाद ये नीचे आया था। नीचे का एंट्री लेवल कितना था, नीचे का एंट्री लेवल था 32,156। ये नीचे 32,055 तक आया था। आप लोग इधर इसको को छोड़ के जब इधर एंट्री लेके लेते थे 3256 के नीचे, ये 3255 तक, मतलब 100 पॉइंट का ये प्रॉफिट आया गया था। उसके बाद आप लोग जब 213 में आप लोग ओपन लेते एंट्री लेते थे, एंट्री 210 के ऊपर एंट्री लेते थे, तो उसके बाद ये 315 तक ये हाई गया था। इधर भी 100 पॉइंट का आप लोग आता था। इधर देखिए इस कैंडल में आप लोग को देखिए 310 में ओपन होके ये 330 तक चला गया था। तो इधर आप लोग को कुछ भी नहीं मिलता था, 310 में ओपन होके ये हाई हुआ था। 310 में ओपन होके ये 343 दिखा रहा है, तो इधर आप लोग एंट्री नहीं मिलता था आप लोग को। और मैंने निफ्टी का भी दिखाने का कोशिश करता हूँ, निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। देखिए 208 से ओपन, 53,113 लो मरा है। तो इधर 177 में इसका एंट्री लेवल था, 177,208। तो इधर भी फर्स्ट कैंडल में बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, इधर भी इधर